उज्जैन में हुई दरिंदगी से हर कोई सदमे में है, हर किसी के मन में आक्रोश है। उस दिन उस मासूम के साथ जो कुछ हुआ उसने पुलिस को सब बताया। उसकी बात सुनकर और उस पल के बारे में कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है, तो उस मासूम की क्या हालत हुई होगी ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अर्धनग्न अवस्था में वो लगभग 8 किलोमीटर तक लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उस मासूम को सहारा देने के लिए कोई आगे नहीं आया। बाद में दांडिया आश्रम के संचालक ने बच्ची की मदद की, उसे कपड़े दिए और पुलिस को इसकी सूचना दी। पीड़िता बच्ची ने FIR में काउंसलर की मदद से दिए अपने बयान में कहा कि एक व्यक्ति उसके पास आया और उसके साथ गलत काम करने लगा। जब लड़की ने खुद को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मुंह और गला दबा दिया। बच्ची के शरीर से खून बहने लगा, वो चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसने मासूम का मुंह दबा दिया और भाग गया। बताया जा रहा है कि बच्ची 23 सितंबर को घर से स्कूल के लिए निकली थी, वो स्कूल ड्रेस में थी। उसके बाद से वो लापता हो गई। जिले के जैतवारा पुलिस स्टेशन में 25 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिलहाल बच्ची को इंदौर के MTH अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिक सर्जन और निश्चेतना विशेषज्ञ की टीम ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 2 दिन बाद अब उसकी हालत में सुधार है। डॉक्टर ने अभी भी पीड़िता को निगरानी में रखा है और उसकी हालत स्थिर बताई है।